गाइस, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल. टुडे इज 15 नवंबर एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग. अ वेरी रैंडम डे इन माय लाइफ. एंड आपकी दिवाली कैसी रही प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा. कल दिवाली थी और जनरली किसी भी फंक्शन या कोई भी फेस्टिवल होना तो उसका जो नेक्स्ट डे होता है वो बहुत लेजी हो जाता है मेरे लिए. मुझे ऐसा लगता है जैसे आज मेरे पास कोई काम ही नहीं है और बहुत ही ज्यादा बोरिंग डे भी होता है मेरे लिए. तो चलिए आज मैं आपको अपना बोरिंग डे दिखाती हूँ. कहाँ गया छोटा पटाखा? क्या बोला है अभी तुम नानी को? क्या बोला? फिर से बोलो तो. क्या बोले? बुआ का सलाम बोला. क्या बोले? बोलो तो फिर से बोलो. कदा सलाम अलैकुम. बुआ के बोला दादी को सलाम किए. बुआ को सलाम ना करो. हमको नहीं करोगे? कदा कदा सलाम करो. हम वहाँ से सुन के आए हैं तुम्हारा बात. बोलो ना क्या बोले हो. दूध ले दादी, दूध ले. हमको सलाम करोगे तो हम टॉफी भी देंगे. दादी के पास तुम्हारा टॉफी वॉफी नहीं रहता है? टॉफी चाहिए? तुम सलाम करोगे तभी टॉफी देंगे. सलाम कर दो. दूध लाए हो? दूध लाए हो? कितना? डेढ़ किलो. डेढ़ किलो दूध लाए हो? बस डेढ़ ही किलो दूध लाए हो? दादी 5 किलो बोली थी. दादी बोली है डेढ़ किलो. दूध को ना मम्मी पहले 3 किलो. 3 किलो बोली थी ना, तो तुम डेढ़ ही किलो लाए हो. डेढ़ किलो और कब लाओगे? कल ला देंगे. ओले बाप ले. रुको तुम्हारे टॉफी लेकर आते हैं. टॉफी मिठाई खाई है. उठा दीजिए. उठाइए तुम्हारे को. उठाइए मैं को. ये कुछ लेकर आने. कैसे बोलती है? म्याऊ म्याऊ. सबसे तो मस्त सार्थ का ही है. हर एक शूज का खोलने का टाइप सीख लेना है और हर नहीं नहीं एकदम फिट है. हर एकदम फिट है. सब शूज को खोलना सीख लेना है और 1 महीने के बाद नया टाइप का शूज आना है. सबसे बढ़िया सार्थ का है बेटा. हाँ देखो. हाँ वाह बेटा. ये कितने नंबर का चप्पल जूता था? 2, 2, 4, 2, 6 नंबर नहीं मतलब अभी 1 साल के भीतर में कितने नंबर का चप्पल जूता खरीदा है? ये 7वां या 8वां पीस है शायद. 8वां पीस है मेरे ख्याल से. 10 महीने के भीतर में. कोई उपाय नहीं ना बेटा, इसका कोई उपाय नहीं है. रेलवे लाइन जा रहा है. बाप रे. मम्मी पीपी सिंह के कैंपस में लगा है. पीपी सिंह का कैंप बहुत भयंकर. ये तो वैसे ही हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जैसा. उससे बदतर है छोटी. वो यहाँ तक ऐसे नहीं उठा था. लाल लाल नहीं उठा था. नहीं ये दूसरे के घर में जो फेंका फेंकी हो रहा था. पापा किधर है? दुकान खाली कर रहा है. रेंट हाउस का ऐसी का. हाय गाइस, अभी जस्ट मैं ये वीडियो एडिट कर रही थी तो मुझे अचानक से याद आया कि मैंने जब व्लॉग की शुरुआत की थी तो मैंने आप लोगों से बोला था कि ये बस एक रैंडम डे है जो मैं शूट कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. बट आपने एंड में देखा कि वो रैंडम नहीं रहा. हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक बहुत भयंकर आग लग गई. तो वो डे मतलब स्टार्ट हुआ तो बहुत बोरिंग था पर रात में बहुत ही बुरा रहा. वो जो आग लगी थी उसके पीछे पता है रीजन क्या था? अगर आपने मेरा दिवाली वाला व्लॉग देखा है, लास्ट व्लॉग जो था, तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दिवाली की रात में हम लोग अपने कजन ब्रदर के यहाँ गए थे जहाँ आंटी ने हमें पकौड़े खिलाए थे. तो उनके यहाँ जाने के उनके यहाँ हम लोग जब जा रहे थे तो जिस रास्ते से होके हम लोग गुजर रहे थे ये उसी रास्ते में एक जगह है जहां पर आग लगी थी.
दिवाली के दिन मैंने देखा उसी रास्ते में बहुत सारे लोगों को कि वो पटाखे कैसे जला रहे थे पता है, जैसे एक पटाखा उठाया हाथ में, यहाँ पर अगर आग लगी है तो ऐसे करके आग लगाए और ऐसे पटाखा फेंक दिया। पटाखा फेंकते वक्त कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि पटाखा जा कहाँ रहा है, फेंका कहाँ जा रहा है, बस आग लगाया और फेंक दिया, आग लगाया और फेंक दिया। इस पूरे सीन में मैंने देखा कि मोस्टली पटाखे जो लोग फेंक रहे थे ना, वो दूसरे के प्रीमाइसेस में जा रहा था, या तो उस किसी की बाउंड्री पे जा रहा था या किसी की बाउंड्री के अंदर चला जा रहा था, और उससे बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। आपने देखा भी होगा अगर आपने व्लॉग को बहुत अच्छे से देखा होगा तो, कि लोग ऐसा कर रहे थे। ये जो आग लगी है ये उसी पटाखे से आग लगी है, उसी तरीके से फेंकने से लगी है, किसी ने ऐसे पटाखा जलाया और ऐसे फेंक दिया। ये जब फेंकने के क्रम में पटाखा तो जमीन पर गिर के बर्स्ट हो गया, पर उसकी एक चिंगारी उड़ के बगल के ही एक टेंट हाउस में लग गई। वहां पर टेंट हाउस का सारा सामान था, और आपको पता होगा कि टेंट हाउस में जो सामान होता है उसमें मोस्टली कपड़े होते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें कि सारे कपड़े मोस्टली सिंथेटिक टाइप के होते हैं, तो आग बहुत जल्दी लग जाती है। तो उसी तरीके से ये आग लगी, बहुत भयंकर आग लगी थी, ये बहुत भयंकर आग लगी थी। मतलब 2-3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां कम से कम 4-5 घंटे तक लगातार इस आग को बुझाती रही, तब जाकर कहीं आग पे कंट्रोल पाया गया। मेरे घर से अगर ये डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो ये लगभग 300-400 मीटर का होगा, पर फिर भी आग का जो धुआं उड़ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे एक एक चिंगारी हमारी तरफ भी आ रही है, इतनी तेज आग लगी थी ये बस एक पटाखे से। तो मेरा बस यही कहना था कि देखिए पटाखा तो किसी और ने जलाया पर नुकसान किसी और का हो गया। और एक चीज और मैं बता दूं, वो जो सिर्फ टेंट हाउस में आग नहीं लगा था, बहुत एरिया उसने और कैप्चर किया था, आसपास में कुछ चाय वाले जो होते हैं ना उनकी झोपड़ियां थी वो सब जल के राख हो गई। बताइए जहां पर ये आग लगी थी ठीक उसी के पास में, मीन्स उससे 2 कदम की दूरी पर एक शॉप थी जहां पर कॉलोनी के लोग अपनी स्कूटी अपनी बाइक्स वगैरह बनवाते हैं। तो ऐसा होता है, वो एक बहुत छोटी सी दुकान थी, पर कई बार ऐसा होता है कि वो पूरा दिन में वो पूरे दिन किसी की गाड़ी नहीं बन पाती है, तो वो सारी गाड़ियों को वो वहीं पर एक छोटे से कमरे में रख लेते हैं ताकि ये जो बची हुई गाड़ियां हैं जो नहीं बन पाई हैं वो कल बन जाएंगी या परसों बन जाएंगी। लगभग 4-5 मोटरसाइकिल और 1-2 कार भी थी जो कि वहां लगी हुई थी कि वो कल बनेगी, बिकॉज एक दिन पहले छुट्टी था, दिवाली के दिन था, तो नहीं बन पाया था, तो इसलिए वहां पर लगा हुआ था, शायद वो अगले दिन बनता। वो सारी गाड़ियां जल गई, बिल्कुल धू धू करके जल गई। किसी एक ने पटाखा जलाया, किसी का टेंट हाउस जला, किसी का घर जला, ये वहीं आसपास के लोग थे। पर बहुत दूर से कोई इंसान अपना गाड़ी लेकर आया होगा बनवाने के लिए, उनकी गाड़ियां जल गईं। कितने सारे लोगों के बताइए कितने का नुकसान हुआ होगा। मेरे नॉलेज के हिसाब से 2 4-व्हीलर जल गया था और 4-5 स्कूटी मोटरसाइकिल, मतलब 2-व्हीलर जला था, उसके अलावा ये जो टेंट हाउस और घर वगैरह जला था वो सब तो अलग था। तो एक छोटा सा धोखा कितना बड़ा नुकसान कर गया। इसीलिए मैं फायर क्रैकर्स के बिल्कुल अगेंस्ट रहती हूँ, मुझे ये नहीं पसंद है। पैसे की बर्बादी होती है, पोल्यूशन होता है, और देखिए जिसने जलाया उसका खुद का कुछ नहीं बिगड़ता है, पर उसने कितने लोगों का कितना बड़ा बड़ा नुकसान कर दिया। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को परेशानी हो, अपनी खुशी के लिए किसी को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो विद दिस नोट इस व्लॉग को मैं यही पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज ढेर सारा लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।